देश छोड़ने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी। कहा, अफगानिस्तान न छोड़ता तो तालिबान काबुल में कत्लेआम मचा देता, मेरी भी हत्या कर देता। यूएई ने मानवीय आधार पर दी है गनी को शरण। महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात पर तालिबान ने यू टर्न लिया। कहा, शरिया कानून लागू रहेगा, लड़कियों को स्कूल जाने दिया जाए या नहीं ये फैसला उलेमा करेंगे। बुर्का या हिजाब पर भी फैसला उलेमा ही करेंगे। तालिबान पर शायर मुनव्वर राणा का विवादित बयान। कहा, तालिबान को तालिबानी नहीं बल्कि अफगानी कहें। काबुल पर कब्जे को लेकर बोले, तालिबान ने अपना मुल्क आजाद करवा दिया। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने की तालिबान की वकालत। कहा, भारत को पहले ही तालिबान से अच्छे रिश्ते रखे थे। उन्होंने कहा, आज का तालिबान पहले से बेहतर है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मामला दर्ज। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से करके लोगों की भावनाओं को आहत करने के आरोप। बीजेपी नेता नरेश सिंघल ने दर्ज करवाई शिकायत। मिशन 2022 के लिए दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक। सीएम योगी समेत यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी इसका हिस्सा होंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो सकती है मीटिंग। यूपी में आज से कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान। 75 घंटे के अभियान में 90 लाख लोगों में कांग्रेस करेगी संवाद। ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर लोगों से होगी विस्तार से चर्चा। देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने की संभावना। सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़े जजों के पद को भरने के लिए कोलिजियम में केंद्र को 9 नामों की सूची भेजी। सूची में 3 महिला जजेस के नाम शामिल। यूपी में स्कूलों को खोलने की तारीख पर लगी मुहर। 23 अगस्त से 6 से 8 तक की क्लास शुरू होगी और 1 सितंबर से 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। 9 से 12 कक्षाएं पहले से ही जारी हैं। मुंबई पुलिस ने सेक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। बॉलीवुड टीवी कलाकारों को फंसाकर वसूली करता था गिरोह। गिरोह में एक आरोपी नाबालिग। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।